Oh. Oh, yeah. ज्ञानेन्द्रियं दस्य ज्ञानायन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान का जो हस्त कमल का कितना महत्व है। गोपियाँ कहती है श्याम सुंदर आपका जो हस्त कमल है आप क्या करो हमारे सर के ऊपर में आप अपना हस्त कमल को रखो। बोले क्यों चाहते हैं हस्त कमल रखने के लिए। बोले कारण है कि आपका जो विरह व्यथा में आपकी प्रेम में हम सबके सब पागल है इसलिए आप जब हमारे ऊपर में आपका हस्त कमल प्रदान करेंगे फिर क्या होगा हमारे जितने विरह व्यथा जो हमारी प्रेम की जितने व्यथा है वो सबके सब दूर हो जाएगा। इसलिए अपना हस्त कमल को हमारे सर के ऊपर में स्थापन करो। इसलिए उसको बाद में कहते बोले ब्रज जनार्तिहन बीरजो सितान निज जन स्मय ध्वंसना स्मित भजे सखे भवत किंकरिष्मनो जलरुहाननम चारुदर्शय। कहते इसी श्लोक में कहते हैं कहते अभी ये तीन श्लोक बोल रहे हैं। बोले तीन श्लोक में कहते इनकी हृदय में क्या अभिष्ट है मतलब ये चाहते क्या इनके हृदय में क्या इच्छा है। कहते तीन श्लोकों के द्वारा अभी अपना इच्छाओं को अभिव्यक्ति करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कत हे प्रभु
कहते ब्रज जनार्ति हन, कहते आप कौन हो? बोले ब्रज जन का जो आरती, आरती मतलब होता है जो दुख है, आप क्या करते हो? ब्रज जन का जो दुख है आप उसको हरण करने वाले। जब आप ब्रज जनार्ति हन, जब ब्रज जन का आरती हरण करने वाले, अभी सबसे बड़े अभी हमारे ऊपर में विपत्ति पड़ी है। बोले कौन सा विपत्ति? बोले आपका विरह का विपत्ति। रास करते करते हमने हमको मीठी मीठी बंसरी बजाए, और बंसरी को बजा करके हमारे मन प्राण चित्त को आप सबके सब अब हरण कर लिया है। इसलिए हमारे मन प्राण सब हरण करके, इसलिए रासलीला से पहले कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते हैं, जब बंसरी बजाते हैं, उसको उदाहरण दिया विश्वनाथ चक्र ठाकुर। कहते बंसी ध्वनि क्या है? कहते हैं ये जैसे कोई चोर होता है ना, जो चोर का सरदार होता है वो चोरी करने नहीं जाता है, वो सरदार एक जगह पर बैठता है। किसको भेजता है चोरी करने के लिए? अपना जितने चेले हो, जितना चेले चापाटियों को जाओ सबके सब चोरी करके लाओ, लेकिन जो माल है ना इसको माल हमें देना है। बैठा रहता है। कहती ये चोर का सबसे बड़े सरदार कौन? बोले कृष्ण है, इनसे बड़े कोई चोर नहीं है। इसलिए श्री वल्लभाचार्य कहते हैं हैं, बोले अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। कहती ये जगत में सबसे बड़ा जो चोर ये कृष्ण है। बोले क्या चोरी करता है? बोले मन को चोरी करता है, चित्त को चोरी करता है, अपना है हृदय को चोरी करता है, सब कुछ चोरी करने वाले, पाप ताप दुख कष्ट को जो हरण करने वाले, ऐसे जो सबसे बड़ा चोर जो कृष्ण, हम सबके सब ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। एक दिन वो हमारे चित्तों को भी चोरी कर जाए, है चित्तों को। इसलिए सब तुम्हारे चित्तों को चोरी किया, इसलिए इस समय लोग क्या करते हैं? आज क्या सुख, आज क्यों कौन सा बार है? आज कौन सा बार है? शुक्रवार है। इसलिए इस समय में जैसे लोग क्या करते, सोते हुए होंगे ना, अभी तक लोग सोते हुए होंगे ना, लेकिन सब तुम्हारे दिल को चुराया, आपको सोने ही नहीं दिया। बोले उठाओ उठाओ जल्दी उठाओ, हाँ कथा सुनने के लिए चल रहे हैं, उठाओ जल्दी उठाओ, आपको सोने ही नहीं दिया, क्योंकि हमारे चित्त को वो चोरी किया है। कहते कृष्ण सबसे बड़े चोर है, अब चोर बैठा बैठा करके कहता अपना चेलों को भेज दिया। बोले जाओ तो चोरी करके ला, चोरी करके ला। बोले क्या चोरी कर? बोले माल को चोरी करके ला है, इसलिए माल को चोरी करके ला। और कहते भैया उनका चेले कौन है? बोले कृष्ण जब बंसरी बजाए, कहते बंसी ध्वनि ही ये चोर है, है? और चोर अभी ढूंढ रहे कहाँ पर था, नहीं कहाँ पर माल कहाँ पर रखा हुआ है। कहते हैं सबसे बड़ा माल क्या है? कहते वैसे तो धन दौलत रुपया पैसा ही माल है, लेकिन सबसे बड़ा जो धन है ना ये प्रेम धन है, ये सबसे बड़ा धन है, ये प्रेम धन है। इसलिए महाप्रभु अपना माँ को कहते बोले माँ आने तन आने रजत कांचन। महाप्रभु जब संन्यास लेकर जा रहे हैं, कहते भैया दूसरा को बेटा कौन सा धन लेकर के आते? बोले रजत कांचन, रजत बोले सोना चांदी यही सब कमा करके लाते हैं, लेकिन भैया आमी एने देव माता कृष्ण प्रेम धन, लेकिन माँ हम जो चीज को ला कर देंगे ना ऐसे तैसे धन नहीं, हम तो कृष्ण प्रेम धन को ला करके दूंगा। जगत का जो पैसा है बोले खाई ले विनाश है न है पर धर्म। जगत का जो पैसा है हाँ उसको तोड़ कर खा जाओगे बस खत्म, कोई न है पर धर्म, कोई धर्म फर्म नहीं, खत्म हो जाएगा। लेकिन माँ मैंने जो तुमको धन ला करके दूंगा तो कृष्ण प्रेम धन दूंगा, पहले खाई ले विनाश न है, जिसको खाने से कभी नष्ट नहीं होगा, जो धन बढ़ते रहेगा, जो धन बढ़ते रहेगा, जो धन वो कौन सा धन है? बोले कृष्ण प्रेम धन है। अभी वो चोर ढूंढ रहे हैं वो धन कहाँ है, वो धन कहाँ पर है, ढूंढते 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 सब जगह पर ढूंढे, धन को तो सब जगह पर ढूंढे, लेकिन धन को ढूंढते 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 यद्यपि सभी का हृदय में प्रेम है, सखाओं का हृदय में भी प्रेम है, वहाँ पर जो दास उनका हृदय में भी प्रेम है, मैया का हृदय में भी प्रेम है, लेकिन होने पर भी सबसे श्रेष्ठ प्रेम किसको पास में? बोलिए गोपियों के हृदय में जो प्रेम है
ये सबसे बड़ा धन है, इससे बड़ा धन दुनिया में कुछ नहीं। ये लोग कृष्ण को जैसे सर्वस्व दे करके, धन मन जैसे सब कुछ दे करके कृष्ण को जो उनने सेवा की है, जो प्रेम की, बल्कि इससे बड़ा धन जगत में कुछ नहीं। बस वो चोर गए, अगर चोर अगर चोरी करने के लिए जाए, अगर घर अगर खुला पड़ा हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, बोले वाह बढ़िया है, दरवाजा पूरा खुला है, ये बड़ा अच्छा मौका है। बस चोर घुसेगा, कैसे कौन सा दरवाजा, बोले कान, ये कान दरवाजा है, हैं ये खुला हुआ पूरा पूरा खुला हुआ ना, बस इधर से गया और दिल में गया, और दिल में उनके हृदय में जो प्रेम था उसको पकड़ा और पकड़ कर लेकर भागे। अगर कोई चोर तुम्हारे घर में आ जाए, जिंदगी भर तुमने जितने हीरो कमाया, जिंदगी भर जितने हीरो तुमने कमाया और घर को बढ़िया करके सजाया, अगर कोई सारे संपत्ति को उठा करके और लेकर के चले, फिर क्या करोगे, उसको पीछे पीछे भागोगे, बोले भैया हमारे सब लूट गया, सब लूट गया, चोर को पीछे भागोगे। इसलिए यहाँ पर कहते ब्रज जनार्ति हन, कहते कृष्ण कौन है, कहते जो ब्रज जन का है, कहते जो ब्रज जनों का जो आरती मतलब होता है दुख है, उसको कृष्ण हरण करने वाले कृष्ण। इसलिए ब्रज में जब जब कोई विपत्ति पड़ी है, कहते जब ब्रज में जब जब कोई विपत्ति पड़ी, सब विपत्ति से कितने रक्षा किया है, पहले सुन करके आए, जब इंद्र ने बारिश बरसाया, कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को उठा लिए, जब अघासुर आए, कृष्ण अघासुर को वध किया, जब अरिष्टासुर आए, कृष्ण अरिष्टासुर को वध किया, जब केशी दैत्य आया, कृष्ण केशी दैत्य को वध किया, जब पुतना आई, सकटासुर तृणावर्त आए, कृष्ण सबको वध करके भगवान ने क्या किया, ब्रजजन को दुख को उन्होंने निवारण किया है। इसलिए कहते सबसे बड़ा जो दुख है, यहाँ पर कह रहे हैं, कहते श्याम सुंदर ये ब्रजजन का तो सारे दुख किया है, लेकिन सबसे जो बड़ा दुख है बोले विरह दुख है। इसलिए कहते ना दुखर मध्य कौन दुख है गुरुतर। महाप्रभु राय रामानंद को प्रश्न करते हैं, जगत में तो बहुत दुख है, लेकिन दुख होने पर भी, लेकिन सबसे बड़ा दुख जगत में किया है, बोले सबसे बड़ा दुख है कृष्ण भक्त विरह बिना दुख ना है देखी पर। बोले कृष्ण भक्तों से बिछोड़ना है, भक्तों से बिछोड़ना, भगवान के प्रेम विहीन जो जीवन है, बोले कृष्ण प्रेम धन बिना दरिद्र जीवन, बोले कृष्ण प्रेम के बगैर जो जीवन है, कृष्ण भक्तों का विरह रूपी जो दुख है, कहते ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए गोपियां कहती है श्याम सुंदर तुम कौन हो, बोले ब्रज जनार्ती हन, कहते ब्रज जन का जो आरती मतलब जो दुख है उसको तुम नष्ट करने वाले, अभी हम तुम्हारे विरह रूपी दुख में अभी जर्जरित है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं पीड़ा भीर नवकाल कुटता गर्भस निर्वासनम, कहते कृष्ण विरह में कितना दुख है, उदाहरण देते हैं, जैसे श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कितना विरह है, अगर एक बिच्छू, बिच्छू समझती हो, अगर एक बिच्छू अगर किसी को काट देना, उसमें इतनी यंत्रणा सहन करना बड़ा कठिन है, हैं एक बिच्छू, कहते अगर एक साथ में 10,000 बिच्छू एक साथ में एक व्यक्ति को काटे, 10,000 बिच्छू एक साथ में काटे, उसमें जो यंत्रणा है, ले कृष्ण विरह में उससे भी ज्यादा यंत्रणा है। अभी हम ये चीज को अनुमान नहीं कर सकते, क्योंकि ये शरीर वो दुख को सहन नहीं कर सकता है, एक दो तीन बिच्छू काट दे तो वो खत्म हो जाए, अगर 10,000 बिच्छू काटेगा तो राम नाम सत्य, हम तो सहन नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर कहते हैं श्याम सुंदर तुम कौन हो, बोले ब्रज जन आरती हन, बोले ब्रज जनों का जो दुख को तू हरने करने वाले हो, जब जब ब्रज में विपत्ति आई तब तक तुमने ये विपत्तियों से रक्षा किया। दूसरा शब्द क्या कहते हैं, बोले वीर, वीर दूसरा शब्द, तुम वीर हो, हम कहते हैं ना हे तुम्हारे जैसे वीर जगत में कोई है, जैसे बामन देव, बामन देव आए बलि महाराज को घर में, हैं बलि महाराज के घर में आए और वहां पर बताए अगर किससे दक्षिणा लेना है ना, किससे अगर दक्षिणा लेना
हैं, अगर किसी घर में जा रहे हो किसी भिक्षा मांगना, सबसे पहले उसकी प्रशंसा करो, ए तुम्हारी जैसे दुनिया में इतने बड़े कोई दानी है, जगत में तुम्हारे जैसे बड़े दानी कुछ है नहीं। हम देखते हैं वृंदावन कोई पंडित जब सबसे आए ना, वो पहले आपने खूब प्रशंसा करेंगे, जानते हैं ना माल मिलेगा, खूब प्रशंसा करेंगे, भले तुम्हारी वंश में है। इसलिए जब बामन देव आए बोले तुम्हारी वंश में बाबा रे हिरण्यनाथ जैसे आए, हिरण्यकश्यप जैसे बड़े बड़े दानी आए हैं, तुम्हारे वंश में कितने बड़े बड़े महापुरुष तुम्हारे वंश में आए, इतना बड़े कोई तुम्हारे वंश में नहीं आए। इसलिए कहते यहाँ शब्द कहते वीर, वीर मतलब कि आप अदय वस्तु को जो दे सकते हैं, हैं वीर मतलब होता है जो वस्तु अदय मतलब क्या है, जो वस्तु दिया नहीं जा सकता है तुम वह वस्तु को तुम प्रदान कर सकते हो। इसलिए दूसरा शब्द प्रयोग करते वीर, तुम बड़ा पहलवान हो, बड़े दान से लियो तुम, जब सबसे बड़े दान से लियो हो श्याम सुंदर, अभी तुम्हारी विरह में हम जो तड़पड़ा रहे हैं, तुम तो वीर हो, क्या करो, अभी तो दर्शन दो, अभी तो कृपा हमारे पर में, अभी तो कृपा करो। कहले जो सीताम, जो सीताम मतलब होता है कहते हम स्त्री है, स्त्रियों का एक नाम बताया, कहते स्त्रियों का एक नाम बताया अबला, क्या खत्म होते जा रही है, इसलिए स्त्रियों का एक शब्द बताया अबला। अबला मतलब क्या है, बोले जिन जिन जिनके कोई बल नहीं, इसलिए स्त्रियों के लिए बताया। कहते हर समय स्त्रियां हर समय किसका आश्रय लेकर रहती, जैसे उदाहरण दिया जैसे लता है, हैं लता देखना, लता क्या करता है, वो कहीं ना कहीं आश्रय लेना चाहती है, उसका स्वभाव है वो कहीं ना कहीं आश्रय लेगा, वो आश्रय के बगैर लता वो बढ़ नहीं सकती है, इसलिए जो स्त्रियां हैं वो कहीं ना कहीं आश्रय लेना चाहती हैं, हमें कोई आश्रय मिल जाए। कहते बचपन में किसका आश्रय लेती हैं, बोले पिता माता का आश्रय लेती हैं, लेकिन जब बड़ी हो जाती हैं शादी हो जाती हैं फिर किसका आश्रय लेती हैं, बोले पति का आश्रय लेती हैं, फिर जब बूढ़ी हो जाती हैं फिर किसका आश्रय लेती हैं, कहते उस समय अपना बच्चों का आश्रय लेती हैं। कहते श्याम सुंदर हम अबला है, हमारे अंदर में कोई बल नहीं, इसलिए हमारे ऊपर में तुम कृपा करो, हम स्त्री जाति है स्वाभाविक रूप में हम भीतु है। बोले निज जनस्मय ध्वंसन स्मृत, कहते भगवान की जो हंसी है ना, उनका जो स्मृत मतलब जो हंसी है, जो हंसी है ये क्या है, कहते अपना जन को जो दुख को ये दूर करने वाले हैं, इसलिए कहते भगवान की जो हंसी, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते वाले खबरदार कैसी घाट में नहीं जाना, जाए तो गोविंद देव को दर्शन नहीं करना, क्योंकि एक बार अगर उनको हंसी देखा है ना, वो हंसी नहीं वो जादू है, वो हंसी नहीं कहते वो जादू है, जादू क्या करता है, सब कुछ मन प्राण चित्तों को चोरी कर लेता है, सब कुछ हरण कर लेता है, इसलिए कृष्ण का हंसी नहीं कहते जादू, कहते हैं श्याम सुंदर है। जैसे आप किसके घर में गए, जैसे मित्र घर में, अगर वो आपको देखकर हंस लिया ना, आप क्या सोचोगे, भैया खुश है हमारे घर प्रसन्न है, अगर किसी मित्र को घर में गए मुंह लटका कर बैठे, अगर आप वहां जाकर खुश हो गए, भले हम बेकार क्यों आ गए, हमको देख कर तो ये दुखी हो गया, हमको देख करके ये दुखी हो गया, लेकिन किस घर में जाओ, अरे बड़े दिनों में आए हो, कहाँ से आए हो, बैठो बढ़िया बढ़िया, सुंदर सुंदर आपको खाना पिज्जा पास्ता बढ़िया बढ़िया बना कर खिलाए, खुश हो जाओगे ना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं श्याम सुंदर तुम्हारी जो हंसी है, हैं तुम्हारी जो हंसी क्या करने वाले, कहते ब्रजजनों का सबको दुख को नष्ट करने वाले तुम्हारी जो हंसी है। इसलिए बोलो भजे सखे भगवान को, सखे बोल करके सखा बोल करके उनका संबोधन करता है, हैं जो सखे की बोलते हैं, कहते ना तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्याम द्रविण तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव, भगवान हमारी सब कुछ, पिता माता भाई बंधु सखा सब कुछ भगवान है,
और जो सखा, इसलिए भगवान को सखा कहते हैं, जैसे आपस आसपास कोई मित्रता हो ना, कोई मित्रता आपस में हो, देखना तो उसका दुख, सखा का दुख देख करके आप सुखी नहीं रह सकते। अगर उसका दुख देखोगे तुम भी दुखी हो जाओगे। अगर उसका कोई दुख हो ना, या किसी तरह से उसका दुख कैसे दूर हो, अब देखना मन प्राण से चेष्टा करोगे उसका कैसे दुख दूर हो जाए। इसलिए ये कृष्ण को सखे बोल करके श्याम सुंदर तुम हमारा सखा हो। जब सखा हो, सखा होने पर बराबर भावना है, सखा सखा का दुख नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम अभी तुम्हारी विरह रूपी दुख में दुखी, तुम मेरे सखा तो हो ना, इसलिए क्या करो हमारे दुख को तुम दूर करो, इसलिए उनको सख्य कहते हैं। तो उसको बाद में भवत किं करिष्मनु, अगर यहाँ पर अगर किसको बोल देना है आज हम तो तुम्हारे दोस्त है, हम तुम यार दोस्त है, फिर गोपियां सोच रही हैं हम कृष्ण को अपना दोस्त बोल दिया, दोस्त किस में होता है, बराबर दोस्त बराबर में दोस्त होता है, हैं? उसको बाद में कहते अगर कृष्ण बोलेंगे कि हम तो तुम्हारे दोस्त है, क्या तुम्हारी बराबर हो, कहते नहीं किंग करिष्मनो, हम तुम्हारी है ना नहीं, अगर तुमको अगर बुरा लगे अगर हम दोस्त बोल दिया हे श्याम सुंदर हम तुम्हारी किंग करी है, किंग करी मतलब किम करोति इति किंग कर, किम करोति मतलब हम क्या करे प्रभु के लिए, हम क्या करें, हम कहते हैं भगवान का किंग कर, किंग कर मतलब क्या, किम करोति हम उनके लिए क्या करें, उनके लिए क्या करें, कौन सा सेवा करें, कौन सा पूजा करें, क्या उनका अफर करें, इसलिए कहते प्रभु श्याम सुंदर किंग करिष्मनो हम तुम्हारे किंग करिए, बोले जला लुहारणम चारु दर्शय, कहते तुम्हारे जो दर्शन है, तुम्हारे जो दर्शन है अत्यंत मधुर दर्शन तुम्हारे, इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं बोले स्वरूप देखी ले नयन हाय अचित झरे प्रेम माया बारी, इसलिए कि बा चूड़ा सिरे कि बा बंसी करे कि बा से त्रिभंग ठाम चरण कमले आमी आओ छले ताहते नूपुर दाम, इसलिए कहते हैं स्वरूप देखिले नयन हाय अचेतन, जब भगवान का कोई बार दर्शन करते हैं ना वास उनका दर्शन करते ही चार दर्शय, तुम्हारे जो दर्शन है इसलिए कब तक जीव संसार का बंधन में, कब तक जीव संसार बंधन में बंधा हुआ होता है, जब तक उनका दर्शन नहीं हो जाए, लेकिन जब भगवान के एक बार दर्शन हो जाए, हम कहते हैं ठाकुर जी एक बार दर्शन दे तो, एक बार हमें दर्शन दे तो, क्यों बोले भगवत दर्शन, और भगवत दर्शन कब होता है, मतलब प्रेम दर्शन प्रेम में होता है, और जब प्रेम हृदय होता है तभी दर्शन होता है, तो जब भगवत दर्शन हो जाता है फिर क्या होता है, फिर भगवत चरण की प्राप्ति हो जाती है, और भगवत दर्शन प्राप्ति होने पर जन्म मृत्यु दुख कष्ट जरा व्याधि चिरकाल के लिए चिंता खत्म हो जाती है, इसलिए कहते हे श्याम सुंदर तुम्हारे जो दर्शन है ना बड़ा मधुर दर्शन है, तुम्हारे दर्शन बड़ा मधुर दर्शन है, इसलिए ये 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 एक अर्थ हो गया, लेकिन कहते एक एक श्लोक में ना मैं तो आपको ठीक से बता नहीं पाया, एक एक पढ़ पढ़ कर बोल दो, उसमें दो अर्थ होता है, एक होता है स्तुति परक और एक होता है उनको गाली दे करके, एक होता है स्तुति और दूसरे जो होता है ना उनको बड़े टेढ़ी मेरी जैसे प्रिया, जैसे पत्नी ने कहा देखो ये तिथि आ रही है मेरे लिए बढ़िया साड़ी लेकर और मेरे लिए तुमने गहना ला करके ला, पति ने कहा तुम्हारे लिए बढ़िया तुमको जो पसंद है ना वो पसंद साड़ी ला दूंगा और तुमको जो पसंद तुम्हारे जो गहना वो ला दूंगा, लेकिन वो तिथि आया लेकिन पति पैसा की तो जरूरत है ना बढ़िया साड़ी गहना के लिए, लेकिन अभी इतना पैसा नहीं पत्नी ला नहीं था पाया, मानो टाइम से नहीं ला पाया, पत्नी जब नहीं ला पाया पत्नी क्या बोले ताना मारेगी, बोला इतना बढ़िया साड़ी आपने पहना है और कितना गहरा आपने ला करके दिया, हाँ आपका जैसे कोई हो सकता है बढ़िया, इसलिए कहते ये इसमें इसी तरह इसमें एक अर्थ है तो भगवान का स्तुति पर गई भगवान की वंदना कर, दूसरा जो अर्थ है वो मान भरी वचन में है उनको टेढ़े मेढ़े वचन बोलते हो, ये दूसरे तरह का अर्थ है,
और वो जो अर्थ है ना उससे भी ये अर्थ ज्यादा मधुर है। कृष्ण क्यों गोपी गीत के बाद में कृष्ण क्यों प्रकट हुए, इसलिए प्रकट हुए कृष्ण बैठे बैठे सुन रहे, इतनी मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं। इसलिए पत्नियां जब मान करके गाली देती है पत्नी को, जो पति सुन सुन बड़े खुश होता है, बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है। इसलिए ये गोपियां कृष्ण को गाली दे रही थी, सब गाली दे रही थी, इसलिए कृष्ण वहाँ बड़ी बैठे बैठे सुन सुन कर खुश हो गए। हाँ गोपियां मेरे को कितना, इसलिए उसमें एक एक श्लोक में दो अर्थ है, उसमें और एक अर्थ कहते बोले तुम्हें ब्रज जनार तिहर, एक अर्थ होता है कदे कदे श्याम सुंदर, एक अर्थ होता है ब्रज जन का दुख हरण करने वाले, उसमें दूसरा अर्थ होता है कहते तुम केवल स्त्रियों को बध करने में ही तुम्हारे अंदर में वीरत्व है, केवल इतना जानते हो स्त्रियों को कैसे मारे, एक अर्थ होता है ब्रज जन का दुख हरण करने वाले, दूसरा अर्थ है गोपियां का टेढ़ी मेढ़ी, हाँ तुम ना केवल स्त्री ब्रज में जो स्त्री है ना उसको ही मारने के लिए तुम दक्ष हो, कैसे गोपियों को कैसे मारे है, इसलिए ये अर्थ वीरत्व प्रकाश बताओ। हाँ कहते तुम जो ऊपर जो हंसते हो ना, एक तो अच्छा है तुम्हारी जो हंसी, तुम्हारी हंसी को दर्शन करने से जीव का दुख कष्ट दूर हो जाता है, और एक तुम जो हंसी है ना कपट है, तुम ऊपर ऊपर तो हंसते हो लेकिन अंदर से चाकू चलाते हो, इसलिए तुम्हारी हंसी नहीं कहती ये तुम्हारी ये कपट है, हंसी नहीं है तुम्हारी कपट युक्त हंसी है, ये तुम्हारी हंसी नहीं है के भजनग्रह। इसलिए एक अर्थ होता है किंग करिश्मनो, इसलिए एक अर्थ है श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासी है, जब हम तुम्हारी दासी है क्या करो, जब तुम्हारी दासी तुम्हारी क्या कर्तव्य है, अपना दासी को रक्षा करना, ये तो तुम्हारी कर्तव्य है ना। लेकिन उसका दूसरा अर्थ कहते हैं इसलिए जहां तुम्हारी किंग कर, इसलिए जो तुम्हारी दासी नहीं है ना तुम उसको ही रक्षा करते हो, लेकिन तुम्हारी जो दासी है ना जैसे घर में पत्नी बोलेगी हाँ दूसरों को प्रेम करो, हम तुम्हारी पत्नी हो मेरे लिए कोई साड़ी नहीं दे सकते, दूसरों के लिए साड़ी ला कर दोगे, दूसरे के लिए गहना ला कर दोगे, इसलिए गोपियां मां से कहती है मैं हम तुम्हारी किंकरी है, कहां हमें देखनी चाहिए हमको नहीं, दूसरों को तो देखते हैं, दूसरों को तो देखने वाले। इसलिए एक अर्थ कहते हैं तुम्हारे जो मुख कमल को दर्शन करता है उसको दुख दूर हो जाता है, दूसरा अर्थ में कहते हैं खबरदार तेरे मुंह दिखाने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पत्नी कहते हैं ना तुम्हारे मुंह दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, मुंह दिखाने का जरूरत नहीं है, इसलिए क्यों हम लोगों ने तुम्हारी विरह में हाँ विरह व्यथा में हम इतने दुखी, हम लोगों ने दृढ़ निश्चय कर लिया, क्या दृढ़ निश्चय कर लिया हमने, ये दृढ़ निश्चय कर लिया इसलिए हम प्राण त्याग ही देंगे तुम्हारी विरह में, हम प्राण त्याग दे देंगे, जरूरत है तुम्हें दर्शन देने का, एक अर्थ होता है तुम दर्शन दे करके हम विरह को दूर करो, एक अर्थ होता है जरूरत नहीं दर्शन देने का, हम तो दृढ़ निश्चय कर लिया तेरे विरह में ही प्राण को त्याग देंगे, इसलिए कहते एक एक श्लोक में दो दो अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसमें दो दो अर्थ उनने एक एक श्लोक में किया। दूसरा श्लोक में कहते हैं बोले प्रणत देहिनाम पापकार सणं त्रिणाचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्भुजम क्रीणु कुचे सुना क्रीन देहरी छयम। ये जो श्लोक में ना बड़ी सुंदर इसमें व्याख्या करते हैं, लेकिन वो व्याख्या को एक एक पढ़ पढ़ करके बोलो तो मतलब उसमें जो जीव गोस्वामी श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर और जो जीव गोस्वामी ने जो जो टीका दिया एक एक पढ़ पढ़ करके बोलो ना उसमें बड़ी प्रेम युक्त अर्थ है। इसमें कहते बोले प्रणत देही नाम पाप दर्शन, इसमें जो एक अर्थ कहते हैं बोले हे श्याम सुंदरम बोले प्रणत देही नाम पाप दर्शन, जो तुम्हारे चरण में प्रणत मतलब होता है शरणागत होता है, अब क्या करते उसको पाप कर्षणम, उसका जो पाप है ना तो सारे पाप को नष्ट कर देते हो, जो तुम्हारे चरण में शरणागत होता है उसको जितने सारे पाप है
सारे पाप तुम नष्ट कर दे दो। तो भैया बोले किसका किसका तुमने पाप नष्ट किया है? तो यहाँ पर कहते हैं जैसे काली, काली कितने दुष्ट था, पूरा काली जब आया और जमुना हरद में रहता था पूरा उसको जहर जहर कर दिया, पूरा पानी जहर, जैसे पानी उबलता था, आकाश में कोई चिड़िया जाए ना वो भी गिर जाता था, आस पास में कोई पेड़ पौधा नहीं था। और कृष्ण का सखाओ ने गैया जब वहां पर गए केवल पानी को स्पर्श किया, स्पर्श करने का साथ साथ वहीं पर बेहोश हो गए सब के सब, वहीं पर बेहोश हो गए। जो कृष्ण की सखाओं को और उनको बछड़े को जो मार एक तरह से मारने वाले हैं, लेकिन इतने बड़े काली और नाग है जो इतना बड़ा पापी था, पूरा ब्रज को तसनस करके रखा था, लेकिन इतना बड़ा पापी, और कृष्ण उसको वहां से भगाने के लिए कृष्ण जब उनने छलांग लगाई, फिर जब छलांग लगाई कालिया ने क्या किया, पहले तो उनका मर्म शरीर को, कोमल शरीर को दंशन किया, खूब काटे हैं, और उनको फिर जब कुछ नहीं हुआ उनको सांप ने पूरा उनको पूरा शरीर लपट गया। हाँ, अगर सांप जिसको शरीर लपट जाए ना पूरा जान ले लेती है, हैं? उसको जान ले लेती है। लेकिन कृष्ण ने कहा भैया पहला मौका तेरा है, बाद में बोलोगे हमें मौका ही नहीं मिला, समझ रहे हो, फिर किसके अंदर युद्ध हो ना, अगर कोई हटा तो मार दे, बोले तुमने मेरे को मौका ही नहीं दिया, मौका तो देख लेते। इसलिए कृष्ण ने कहा बोले भैया अब पहला मौका तो तेरा, तू जो कुछ करना कर ले, बाद में मेरा मौका आया। इसलिए उसने सारी उन्होंने चेष्टा की कृष्ण को मारने के लिए, जी जान लगाकर मारने के लिए, लेकिन कालिया तो मारने के लिए कोशिश की, लेकिन भगवान ने क्या किया पूरा उसका सर पर चढ़ गए और सर करके उनको सर के ऊपर में सौ पड़ा था, एक साथ में कृष्ण को काटने के लिए कोशिश कर रहा था एक साथ में, हाँ सौ फणा से है, लेकिन कृष्ण क्या कर रहे थे, एक से दूसरे फणे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, कृष्ण ऐसे ऐसे करके हाँ उसको फणा को बचाते हुए एक दूसरे के ऊपर में कृष्ण नृत्य कर रहे थे। इसलिए जिसको सूरदास कहते ना बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी पम 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 पद बदगत पम 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 पन पर बिंग 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 बिनत करत नाग बदुआली तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी सन 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 कादिक गन 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 गंधर्व गण नम 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 नारद मुनि सब देत ताली तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी बम बम बलिहारी। इसलिए सूरदास जी बड़े सुंदर भजन गाते हैं, कृष्ण कैसे नृत्य कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहते प्रणत दहिनाम, कहते वो इतने कृष्ण को मारने के लिए कोशिश किया, लेकिन जब उनको जो पत्नियां जो देख रही थी दूर से खड़ी होकर के ना, पत्नियां देख रही थी खड़ी होकर, क्या देख रही थी, कृष्ण उसको सर पर कैसे खड़े हो गए नृत्य कर रहे हैं, पत्नियां सोच रहे थे मर जाए तो चाहिए, बोले क्यों, बोले एक में तो भजन करता नहीं, अब जब हम भजन करना चाह रहे ना हमें भजन भी करने नहीं देते, समझ रहे हो, खुद भजन करे नहीं और जो पत्नियां जो भजन करने के लिए चाहे उसको भी भजन करने नहीं देते, तो ऐसे पति रह कर क्या लाभ है, उससे पति तो मर जाना सही है, ऐसे पति रह कर कोई लाभ नहीं है, हाँ? इसलिए मर जाना सही, लेकिन जो भगवान का चरण की ठोकर खा खा कर की उसको ऐसे लग रहा था जैसे सर के ऊपर में विश्व ब्रह्मांड उसका सर के ऊपर आ गए, हाँ? मुंह से खून की उल्टी हो रही थी, बोला हे भगवान ये 6 साल का बालक, मैंने गरुड़ों के साथ में भी युद्ध किया लेकिन मेरे कुछ बिगाड़ नहीं पाया, हाँ मैं भाग के चलाया, लेकिन ये इतना छोटा बच्चा सर पर खड़ा हो गया, लगता है विश्व ब्रह्मांड का सारे बोझ जैसे मेरे सर पर आ गए, मेरी जो पत्नियां कह रही थी ना ये कृष्ण भगवान है, सचमुच ही भगवान ही है, ये भगवान नहीं तो इतना भोजन कैसे हो सकता है। अब उसने सोचा लगता है मैं मरने वाला हूँ, अभी मन मन में पत्नियों की बात याद आई और उसने भगवान के चरणों में शरण, जब शरणागत हो गया इतने में उनको पत्नियां सोच रहे हैं अब ये भक्त हो गया, अब ये भक्त हो गया, अगर पति अगर कृष्ण भक्त हो ना
परेशपति रहनी चाहिए। बोले क्यों रहनी चाहिए? बोले नाग पत्नियां देखने में बड़ी सुंदरी है, अगर किसकी पत्नी बड़ी सुंदरी हो, अगर पति अगर काम उम्र मरा जाए ना, फिर क्या होता है, दूसरा पुरुष उसको ऊपर में आक्रमण करते हैं, दूसरा पुरुष उसको ऊपर में आक्रमण करते हैं। इसलिए पति अगर कृष्ण भक्त होता है अच्छी बात है, फिर तो उन्होंने शब्द सब आकर के बच्चों को सामने रख करके कृष्ण चरण में शरणागत हो गए, कृष्ण चरण में। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भैया जो कालियो इतना दुष्ट था, इतने बदमाश था, फिर इसकी कृष्ण चरण में भक्ति कैसे हुई, कृष्ण चरण में शरणागत कैसे हो गया, इतना तो दुष्ट था, बदमाश था। कहते कारण है, कहते उसका जो पत्नियां थी ना, कहते जया दी जो पत्नी जया नाग कन्या गाना भक्ति ते जहारा पाइलो गोविंद चरण। चले कहते जय नाग पत्नी जय दिजो पत्नी गण है, ये कहते भक्ति से कृष्ण चरण को प्राप्त किया, उनको पत्नियां भक्त थी, कृष्ण भक्त थी, ये बीच बीच में उसको कृष्ण कथा सुनाया करते थे, लेकिन वो तो सुनना नहीं चाहता था, लेकिन ये जोर जबरदस्त, जैसे पत्नी होती है ना, वो क्या चाहती है, अगर पत्नी भक्त है, पति भक्त नहीं, पत्नी क्या करती है, कान में थोड़ी थोड़ी कथा सुनाते रहती है, भजन करो ना, सत्संग में चलो ना, थोड़ा हरिनाम करो ना, भगवान भक्ति करो ना, पत्नी क्या करती चाहती है, जैसे ये भी भजन में लग जाए, ये भी भक्ति में लग जाए, बीच बीच में वो नहीं चाहने पड़ी ना, उसको कान में कथा सुनाई देते, कृष्ण कथा सुनाई देते, कृष्ण बड़े सुंदर, कृष्ण से भय नहीं करना, कृष्ण अच्छे है, वो जो कथा सुनाई करती थी उसको कानों में अनजान में उसको कानों में कृष्ण कथा जाता था, इसलिए मानो उसका हृदय में कृष्ण भक्ति का जो बीज है उसका हृदय में पहले से था, लेकिन बीज तो था, लेकिन उसर भूमि समझते हो, बंजर जमी अच्छी नहीं, उर्वर नहीं, अगर वह बीज बोगे तो क्या होगा, पेड़ नहीं होगा। लेकिन जब भगवान कृष्ण उसके सर पर चढ़ गए और उन्होंने नृत्य करने लग गए, नृत्य करने लग गए, क्या हुआ, भगवान के चरण स्पर्श पाते ही जैसे कहीं बीज बोया और उसमें पानी दे दो ना, फिर धीरे 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 बढ़ने लग जाता, मान कृष्ण का चरण स्पर्श, कहते ना यद्यपि समाधि सुविधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि, कहते हे प्रभु तुम्हारे जो चरण कमल है, कहते यद्यपि समाधि सुविधिरपि पश्यति, तुम्हारी चरण कमल को ब्रह्मा जैसे व्यक्ति है, कहते दर्शन करने का बात छोड़ दो, तुम्हारी चरण कमल की जो छटा है, जो प्रकाश है, उसको भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुर सेहु जाहि निरंतर ध्यामे, भगवान की चरण कमल को ब्रह्मा चंद्र चंद्र भाई वरुण निरंतर जिन चरण को ध्यान करते हैं, वो चरण अगर किसी सर्प पर दे दे कितने सौभाग्य बात है। इसलिए मानो ये पानी का काम क्या उर्वर हो गया, बस धीरे 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 अंकुर सो पत्ते धीरे धीरे लता, बस कृष्ण लता, कृष्ण भक्ति की लता प्रकट हो गई। इसलिए भगवान ने उसको क्या किया, इतने जो दुष्टों को है, लेकिन जब उन्होंने कृष्ण चरण में शरणागत हो गए, भगवान ने क्या किया, उसका अपना सेवक रूप में स्वीकार कर दिया है। कालिया ने कहा हे प्रभु, जैसे आप गरुड़ को पीठ पर बैठ कर कहीं जाते हो, मैं भी एक क्षण में कितने करोड़ जोजर तक मैं गमन कर सकता हूँ, मेरे अंदर में इतनी शक्ति है, इसलिए प्रभु मेरे को भी बीच बीच में अपना सेवा में नियुक्त करना। इसलिए भगवान जो गोलोक वृंदावन में चाहते हैं ना नव का विलास करना सखियों के साथ, देव कितना बड़ी सेवा दिया, जब हम गोलोक वृंदावन में कृष्ण चाहते यमुना में जल विहार करे, नाव में बैठ कर जल विहार करे, तब उन्होंने कालिया को बुलाते हैं और कालिया के सर पर बैठते हैं, बैठ कर क्या करते हैं, उनको बस नाव का काम करता है, कितने गोपियों को राधा रानी को कृष्ण को बैठा करके हाँ अपना सर के ऊपर में कालिया क्या करता है, उनको जल विहार कराता है, कितने बड़ी सेवा उनको प्राप्त हुई। इसलिए कहते ऐसे दुष्ट व्यक्ति को भी भगवान ने क्या किया, कहते प्रणत ते ही नाम, भगवान की चरण में जो एक बार शरणागत हो जाए हैं, बस भगवान उसको सारे दोष को, जितने बड़े दुष्ट क्यों नहीं हो, इसलिए हम सुन रहे थे ना सकृत एव प्रपन्ना जस्तवाम स्मृत जाते थे, एक बार जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो,
जितने बड़े दुष्टो व्यक्ति क्यों नहीं हो, लेकिन एक बार कृष्ण शरण में आ जाए, प्रभु के चरण में एक बार लेट जाए, बोले प्रभु हमने जो अपराध किया हमारे अपराध को माफ कर दो, भगवान सारे अपराध को माफ कर देते, हम लोग भी बड़े बड़े पापी हैं, हम भी कम पापी नहीं, हम सारे सब बड़े बड़े हम पापी है, जगह माध्यम से ज्यादा पापी है, हम लोग भी बड़े बड़े पापी है, लेकिन भगवान की शरण में आए, ठाकुर जी हमें कृपा करके अपना चरण में स्थान दिए, अगर वो हमारे दोस्त को, अगर भगवान हमारे दोस्त को देखते हैं ना, हम कोई भी भजन नहीं कर सकते, अपना हृदय को अगर हम जान करके देखेंगे, हृदय में कितने अनर्थ और कितने संसार की वासना, हृदय में कितनी गंदी चीज हमारी पड़ी हुई, लेकिन भगवान दयालु है ना, हमारे पिता माता है, बच्चे का जिसे दोष नहीं देखकर गुण देखते हैं, ठाकुर जी हमारे अंदर में दोष नहीं देखकर गुण देख रहे हैं, इसलिए हम किसी तरह से भजन कर रहे हैं, अगर दोष को देखे तो भक्ति कर ही नहीं सकते, भक्ति कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए कहते प्रणत देहिनाम। और भगवान ने क्या किया है, कहते कालिया को कृपा की, फिर इसको उदाहरण विश्वनाथ चक्र ठाकुर देते हैं, फिर उन्होंने किसको उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण दिया नल कुबेर और मुनिग्रीव, कहते श्री नल कुबेर और श्री मुनिग्रीव का उन्होंने उदाहरण दिया है, कहते नल कुबेर मुनिग्रीव भी इन्होंने क्या कर रहे थे, जब नारद जी जा रहे थे उन्होंने देखा कैसे वो जल विहार कर रहे हैं, स्वर्ग के अप्सरियों को लेकर, स्वर्ग की गंधर्वियों को लेकर के वो जल विहार कर रहे थे, विवस्त्र होकर के शराब पी करके जल विहार कर रहे थे, जो नारद जी को देख करके भी आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, देखो बाबा का कोई है, बाबा का कोई बुद्धि विवेक नहीं, और कोई रास्ता नहीं मिला, यही रास्ता मिला है, यही रास्ता मिला, इसलिए और कोई तरह का रास्ता ही नहीं मिला, लेकिन नारद जी बड़े दयालु है, उनकी कृपा करने के लिए, उनको उद्धार करने के लिए उन्होंने उनको अभिशाप दिया। तो यहाँ पर प्रश्न होता है भैया, नारद जी अभिशाप क्यों दिए, जैसे रास्ता में कोई जा रहे, कोई अगर क्रीड़ा कर रहे, जल विहार कर रहे, अपना विवस्त्र होकर शराब पी कर, भैया तुम उस तरफ में क्यों देखो, अपने रास्ता में जाओ, रास्ता में जाओ, फिर तुम्हें अभिशाप देने का क्या जरूरत था, कारण क्या, बोले अभिशाप क्यों दिया, बोले एक उदाहरण दिया, जैसे आपका बेटा बच्चा है, छोटा बच्चा दिन भर सो जाता है, दिन भर खेलता कूदता है, शाम को सो जाता है, लेकिन माँ ने बहुत बढ़िया कोई भोजन बनाया, जो बच्चे को जो बहुत अच्छा लगता है भोजन बनाया, लेकिन बच्चा सो गया, आप देखना बच्चा सो जाने के बाद ना बच्चा सहज में नहीं उठता है, भैया क्या करती है, चीज काट कर दी, हिला हिला करके उसको उठाती, उठ उठ, क्योंकि उसके लायक खाना बनाया, उसके लायक केक जैसे पिज्जा पास्ता उसको लायक बनाया, उसको पसंद करता है, उसको जैसे हिला हिला करके उठाता है, फिर उसी तरह फिर नारद जी सोच रहे हैं कि कहाँ स्वर्ग के कुबेर का पुत्र नल कुबेर और मुनिग्रीव है, कहाँ भगवान की भक्ति करनी चाहिए, देखो ये काम क्या कर रहे, शराब पी पा करके विवस्त्र होकर के अवसरियों को लेकर जल विहार कर रहे हैं, इसलिए मानो नारद जी उनको प्रभु कृपा करना चाहते थे, वो अभिशाप नहीं उसको प्रभु कृपा है, मानो जो अभिशाप नहीं दिया उनको प्रभु कृपा की, अभिशाप का फल क्या होता है, बुरा होता है, लेकिन ब्रज में वृक्ष रूप में जन्म ग्रहण करें, भगवान की सारे लीला दर्शन किया, उसको साथ साथ में फिर कृष्ण दर्शन भी मिला, कृष्ण का चरण स्पर्श भी मिला उनको, और दर्शन करते हुए एक साथ में स्वर्ग में नालसुवर और मुनिग्रीव और उनको गोलोक वृंदावन में मधुकंठ और सिद्धकंठ रूप में जन्म मिला है, सवेरे और शाम को, सवेरे बाल लीला और शाम को कृष्ण का मधुर लीलाओं का गायन करते हैं गोलोक वृंदावन में, इसलिए कहते प्रणत देहिनाम, कहते हे प्रभु तुम्हारी चरण में जो शरणागत होते हैं, प्रणत देहिनाम पाप कर शरणम, आप तो सारे पाप को नष्ट कर देते हो, बोले त्रिनचरानुग श्री निकेतनम, कहते कृष्ण क्या करते हो, श्याम सुंदर त्रिनाचरानुग, कहते जो गैया है, जो गैया चराते हो, गैया को पीछे 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 आप डोलते हो, मतलब कहाँ भगवान हो, कहाँ भगवान हो करके कर रहे हो क्या, गैया चरा रहे हो, गैया कौन चराते हैं, साधारण लोग गैया चराए कभी,
गांव में गैया चराए हो, इसलिए गैया कौन ग्वाल लोग गैया चराते हैं। बोले कहाँ तुम भगवान हो करके, कहते क्या कर रहे हो, बोले तुम त्रिना चराने को गैया को पीछे 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 तुम चलते हो, हैं गैया को तुम चराते हो। और क्या बोले श्री निकेतनम, श्री मतलब लक्ष्मी, हैं कहते लक्ष्मी की तुम आश्रय स्वरूप हो, हैं लक्ष्मी का तुम आश्रय, लक्ष्मी जिनकी चरण की आश्रय ग्रहण की कठोर तपस्या करते हो, लक्ष्मी जिनके चरण को आश्रय ग्रहण करती है। और जितने ब्रज गोपियां वो सब के सब लक्ष्मी, राधा रानी भी ये लक्ष्मी ही। कहते लक्ष्मी की क्या है आश्रय स्वरूप, तो लक्ष्मी की हो। बोले फणी फरार्पितम ते पदाम्बुजम, कहते हे श्याम सुंदर तुमने काली के सर के ऊपर नृत्य तुमने किया है, काली के सर के ऊपर तुमने नृत्य किए हो, इसलिए तुम्हारी जो पदाम्बुज है बोले पद रूपी तुम्हारी जो कमल है, क्या करो वो पद कमल को हमारी हृदय में अवधारण कराओ, हमारे हृदय के ऊपर अब रखो, रख करके हमारे हृदय में तुम्हारी जो विरह रूपी जो व्यथा है आप हृदय में रखने पर हमारे हृदय की सारे विरह व्यथा को आप दूर करो। इसलिए प्रभु आप जल्दी जल्दी ये काम करके हृदय की व्यथा को दूर करो। यदि ये इसकी एक ये अर्थ है, लेकिन इसकी और एक भावार्थ है, बड़ा सुंदर अर्थ है उसकी, और एक अद्भुत अर्थ है। ये तो हो गया साधारण अर्थ है, लेकिन उनकी अंतर की जो भावना है, हैं उनकी जो अंदर की जो भावना है बहुत बढ़िया है। और दो तरह का अर्थ और है, इसका हम कल सुनेंगे, ठीक है। इसका और क्या हृदय की जो भावना है बहुत अच्छी अच्छी बात बताए, एक एक क्यों उनको एक एक क्यों उन्होंने उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण का क्या तात्पर्य है, हैं इसका हम कल सुनेंगे, ठीक है। भगवान छागल कृपा सिंधु भाई वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सन्निधि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिव सरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल नितय गौर, हरि बोल नितय गौर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंद देव। हरे कुछ लोग देखते हैं हाँ महाराज, कौन देखता है इसकी मैया और इसकी मैया दिखते हैं, भक्ति वेदांता पुरी महाराज दिखते हैं, श्रवण कृष्णा दास दिखते हैं, भक्ति वेदांता पुरी महाराज हाँ वो जो नाव दिखते हैं, रोहिणी जो रोहिणी है गोकुल का वो भी देखते हैं, ऐसे ऐसे और लोग राधा नुपुर दासी और राधिका एक दीदी राधिका वो देखते हैं, गीता जारप देखते हैं, रामानंदा जो इंग्लैंड के है रामानंदा
वो भी देखते हैं, मदन लाल भी है, दामोदर दास सिकारी, इसी सब, और एक दूसरा के नाम है राधा दासी, इसी सब, पूजा श्यामा प्रिया, श्यामा, ओ ये भी देखते हैं इसको ऑन है, और शांति दासी, सुचित्रा दासी जो फरीदाबाद के, ऐसे सब और बहुत लोग पढ़ते हैं, ओम सिंह, उमेश सिंह, द्वाराज राजवीर सिंह चौधरी, इसे सब नाम आ जाते हैं जो देखते हैं। हाँ, श्रवण कृष्ण दास, अनंदनी देवी दासी, राम भद्रा के वो जो है भाई, जो जो कीर्तन करते भी, नमस्कार, हाँ वो ऐसे और है सब लोग, बंद कर दे, हाँ बंद कर दे, बंद नहीं किया नहीं